हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी वेज ग्रिल सैंडविच। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। वेज ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 4 स्लाइस ब्रेड लिया, वेजिटेबल में कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिली, स्वीट कॉर्न और पीस यूज करूंगी। 1 चम्मच ऑयल, टमाटो सॉस 1 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, बटर सेकने के लिए यूज करूंगी 1 चम्मच और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 1 चम्मच मैजिक मसाला। पैन गर्म होने के लिए रख दिया और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ। वेजिटेबल को सॉल्टी करूँगी, इसके लिए ऑयल स्प्रेड कर दिया। ऑयल गर्म हो गया, जो ऑनियन लिया वो ऐड कर दिया। हाई फ्लेम में 1 मिनट सॉल्टी कर लेती हूँ। सारे वेजिटेबल ऐड कर देती हूँ। और अच्छी तरह से सॉल्टी कर लेती हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो वेजिटेबल जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। रेड चिली पाउडर, और जो टेस्ट में कर लिया वो भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ऊपर कुक नहीं करूंगी, क्रंची रहेगा वेजिटेबल, वही अच्छा लगेगा। सर्टी करके हो गया, गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी ब्रेड को अरेंज करूंगी, इसके लिए ब्रेड पीस ले लिया, उसके ऊपर जो ग्रीन चिली सॉस लिया वो ऐड कर देती हूँ अच्छी तरह से। स्प्रेड कर दिया और जो वेजिटेबल सॉल्टी करके रखा था वो अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। अच्छी तरह से वेजिटेबल को स्प्रेड कर दिया और दूसरा ब्रेड साइज में टोमेटो सॉस स्प्रेड कर देती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ऊपर अच्छी तरह से बटर स्प्रेड कर देती हूँ। बटर लगा के हो गया। ग्रिल पैन गर्म होने के लिए रख दिया। ये माइक्रोवेव में करेंगे तो और जल्दी हो जाता है, बट सबके पास माइक्रोवेव नहीं रहता है, इसके लिए ग्रिल पैन में ही दिखा रहा हूँ। ग्रिल पैन गर्म हो गया, जो साइड बटर लगाया ऐसे फ्लिप करके रख दिया और ऊपर से भी बटर स्प्रेड करूंगी। ऊपर से भी बटर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। एक साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक सेकने का। दूसरा तरफ फ्लिप कर देने का, दोनों साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक बटर से सेक लेने का। दोनों साइड क्रिस्पी हो गया। सेम प्रोसेस में सारे बना के तैयार कर लेती हूँ। टेस्टी क्रिस्पी वेज ग्रिल सैंडविच बनके रेडी हो गया। जो बच्चे लोग वेजिटेबल नहीं खाते ऐसे वेजिटेबल के साथ सैंडविच बना के खिलाइए तो बहुत चाव से खाएगा। ये टिफिन में भी दे सकते हैं।
ऐसे बनाइए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।